नारायणी कपूर तिवारी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रयोगशाला रहा। तब पश्चिम और पूर्वी बंगाल नहीं हुआ करता था। बंगाल को बांटने की पहली कोशिश अंग्रेजों ने की थी। साम्राज्यवाद के सिपाहियों ने बंगाल विभाजन के लिए मजहब का सहारा लिया, मुस्लिम तुष्टीकरण की बुनियाद तैयार की, लेकिन बंगाल की फौलादी एकता ने इसे टूटने नहीं दिया। पर आज सियासत की चोट बंगाल को तोड़ रही है, बंगाल को इसका अंदाजा है, और यही वजह है कि बंगाल का महा मुकाबला ममता वर्सेस ममता हो चुका है। ममता ही ममता से हारेंगी। आखिर क्यों ममता खुद से मुकाबला कर रही है? क्योंकि चुनावी अखाड़े में ममता को ममता ही जो भिड़ रही है वो भारी पड़ने वाला है। बताएंगे यही वंदे मातरम में। अब देखिए, रॉयटर्स बिल्डिंग में बैठकर ममता दीदी बीते 10 सालों से एक ऐसी सरकार चला रही है जिसके हिस्से में उपलब्धियां कम, वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, अराजकता और कुर्सी पर किसी भी तरह से जमे रहने की चाहत ज्यादा आई है। ममता दीदी के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज ममता ममता से ही लड़ रही है, और यही उनके 2021 के सफर को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना देता है। And Mathuras, they are very much citizens of this country. दरअसल दरअसल हो गया ममता जी, इसके बारे में एक भी बातें नहीं की। सब कुछ तो धोखा हो गया, सब कुछ तो धोखा हो गया, सब कुछ तो धोखा हो गया। पुरपा शरीफ को लेके लोग धोखा दे रहे हैं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जरा हिंदू मुसलमान कर तर परिष्कार बोली सुने रख, हिंदू घर हिंदू कार्ड खेलते जावे ना। दीदी के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, देखो तो पागल है, पागल पागल है, पागल। ममता का ममता से मुकाबला, बंगाल में ममता वर्सेस ममता, ममता से ही हारेंगी ममता। वॉशिंग पाउडर भाजपा, कालोटा सादा और सादाटा कालो, तुम्हारा बेचे नहीं जो भालो। चुनावी बिसात ऐसी बिछी है कि ममता बनर्जी अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी हैं। 10 सालों में ममता दीदी की सरकार कालीघाट से चलती रही, लेकिन जो वायदे पश्चिम बंगाल से किए वो भूल गईं। ममता में 2M 3A 1T, हार का ममता एंगल होगा डिकोड। दीदी कैसे अपने ही जाल में फंसी और कैसे हार की ओर बढ़ रही हैं? हम आपको एक एक चीज डिकोड करके बताएंगे। सबसे पहले एम का मतलब समझिए, जो ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा झटका है। एनआरसी चलबे ना, एनआरसी लज्जा, एनआरसी लज्जा। एम मतलब मथुआ को मिला धोखा, नहीं मिलेगा दीदी को मौका। दरअसल बरसल हो गया ममता जी, इसके बारे में एक भी बातें नहीं बोले, नागरिकता देने की बात। ममता बनर्जी क्या बोलूँ उनके बारे में, जो पहले हम लोगों को यहाँ पे TMC सरकार था, अभी वहाँ उन लोगों को तो हम लोग कुछ दे नहीं पाया। मांग रहे
हाँ बच्चा द्वार पे ठोकर खाता है, कोई बोलता है उसके पास जाओ, कोई बोलता है उसके पास जाओ, इतना कैसे जाएगा। मथुआ समाज पर महासंग्राम चल रहा है। एक तरफ ममता दीदी उन्हें अपनी ओर दोबारा खींचने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी मथुआ वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। ममता बनर्जी मथुआ समाज में शामिल होकर और मथुआ का भरोसा लेकर 2011 में सत्ता में आई। वादा किया था कि नागरिकता दिलाएंगी, लेकिन बीजेपी ने साल 2018 में CAA का दांव चला और मथुआ वोट बैंक खींच ले गया, क्योंकि ममता बनर्जी CAA का विरोध करती रहीं। मथुआ समाज को भी पता चल गया कि राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार ही उन्हें नागरिकता दिला सकती है। ममता सरकार ने जमीन का पट्टा देकर मथुआ समाज को धोखे में रखा और बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में और अब 2021 के मैनिफेस्टो में भी CAA लागू करने का वादा है। And Mathuas, they are very much citizens of this country, and we have recognized all the refugee colonies. They are the refugee. They are the recognized. All my Bengal people are the recognized people, and they are the citizens. We all the citizens of this country. They cannot decide the fate of the citizens. Let them decide their own fate. We are against of this. We are against of NPR. We are against of NRC. जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं, 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के घोषणा पत्र में मथुआ समाज के लिए CAA का वादा है, तो TMC के घोषणा पत्र में मथुआ को जगह भी नहीं मिली। ऐसे में मथुआ समाज की करीब 3 करोड़ आबादी, जिनका 40 से 50 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है, वो बीजेपी की ओर जाता दिख रहा है। कोनो NPR होवे ना, NPR NRC, लज्जा लज्जा, NPR NRC, धिक्कार धिक्कार।